Question number 1 of this thing is prove that the determinant is independent of theta. जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो क्या sin theta cos theta आ रहा है, तो कह रहे इसकी जो वैल्यू है मतलब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो थीटा का कोई इसकी वैल्यू डिटरमिनेंट की वैल्यू थीटा पे डिपेंड नहीं कर रही। इसका मतलब ये हो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो उसमें थीटा नहीं आ रहा, वो कैसे हो सकता है? हो सकता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बन रहा हो, जिससे क्या हो जाएगा वन। चेक करते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग आर से एक्सपेंड करते हैं, किसी से भी करो आर से करो, बोलो क्या है एक्स इंटू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन, फिर माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एक्स कॉस थीटा एक्स साइन थीटा एक्स साइन थीटा एक्स माइनस एक्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा, सॉल्व करते हैं माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस माइनस कैंसिल माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस टेक एक्स कॉमन फ्रॉम दीज टू टर्म्स एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एज वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन of given question is minus x cube which does not include theta. That means this determinant is independent of theta.